ग्वालियर में एक बीजेपी नेता ने एक महिला की मृत्यु हो जाने पर उसका पोस्टमार्टम ना किए जाने का दबाव पुलिस अधिकारी पर बनाया और गाली दी, लेकिन जब पुलिस अधिकारी ने नेता को गाली देने से मना किया तो बीजेपी नेता ने फोन काट दिया। अब नेता और पुलिस अधिकारी की बातचीत का ये ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बाद में इस कृत्य के लिए बीजेपी नेता ने माफी मांगी है। ग्वालियर के माधवगंज इलाके में एक महिला की सड़क पर अज्ञात वाहन से टकराने के कारण मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर महिला का शव पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई के लिए रवाना कर दिया। तभी इलाके के थाना प्रभारी प्रशांत यादव के पास बीजेपी नेता कमल माखीजानी का फोन गया और बीजेपी नेता ने पुलिस अफसर से कहा कि महिला के शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाए। इस बीच बीजेपी नेता ने पुलिस अफसर को गाली दी, जिस पर पुलिस अधिकारी ने बीजेपी नेता को ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी। हेलो, हाँ जी, यादव साहब बोल रहे हैं जी। मैं कमल माखीजानी बोल रहा हूँ, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी जी। बताएं। अरे कोई एक्सीडेंट वहाँ हो गया है माधवन चौराहे पर, हमारे रिलेटिव है जी, वो ओल्ड लेडी की डेथ हो गई है जी। अब वो शायद आपने कहा होगा पीएम होगा, पीएम तो साहब दिन भर जो वो कहा नहीं भाई साहब, पीएम तो हमें कराना पड़ेगा। क्या क्या मैं बताया था, जब लड़के लिख के दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, उसमें होता ही है भाई साहब पीएम, क्योंकि अगर घर में एक्सपायर होती तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्यों कराना चाहते, कारण बता दो ना आप एक। नहीं कारण क्यों, उसमें होता ही है पीएम, अगर रोड पे डेथ हुई है ना उनकी, चलते चलते आदमी मर जाता है, उनके तो कोई पीएम नहीं होता। मैंने देखा भाई, उसमें कोई गाड़ी उसको क्रॉस करके गई है, उसके बाद लड़खड़ा के गिरी है वो, कोई फोर व्हीलर गाड़ी जो है उनको क्रॉस करके गई है, उसका वो नहीं पता पा रहे हैं वो, उसके कारण वो लड़खड़ा गई स्कूटी और फिर वो गिरी है। तो चोट उनको लगी है क्या? चोट तो नहीं है उसमें, लेकिन भाई जब कराना पड़ेगा, वो पीएम तो उसमें रहता ही है घर पे। हमका परेशान करते और कोई मतलब कोई काम करते नहीं हो। अरे तो भाई साहब ऐसे कैसे, क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? चलिए ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आप करिए ऐसा। नहीं आपको ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल आप रखिए भाई साहब, बिल्कुल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बिल्कुल आदमी को परेशान करते, मैं भाई साहब परेशान कर, गाली मत रखिए भाई साहब आप, गाली मत बकिए, मैं बता दे रहा हूँ तुमको। चलिए चलिए, है ना, मैं गाली का भी, हम भी जानते हैं गाली बकना, समझ में आ गई आपको? आप करवाइए पीएम, है ना, गाली मत बकिए, मैं वही आगे बताऊंगा मैं आपको, कोई भी बने रहिए आप। आओ आओ। महिला की मौत को लेकर थाना प्रभारी और बीजेपी महामंत्री के बीच बहस के बाद ये ऑडियो जमकर वायरल होना शुरू हो गया है। इस घटना के बाद पुलिस ने कहा कि जिस तरह सड़क पर महिला की मृत्यु हुई उसमें पोस्टमार्टम करवाना जरूरी था। बताते हैं कि इस मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस ने बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज करने का मन बना लिया था, लेकिन इतने में बीजेपी नेता अपने कहे से पीछे हट गए और पुलिस अधिकारी का सम्मान करने पहुंच गए। बीजेपी नेता को अपनी गलती का एहसास होते ही पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।